योजना ले दी अग्निवीर वाली। अग्निवीर में क्या है कि जाएंगे हमारे किसान के बच्चे इसमें तो मिलिट्री में तो जाया कर दे, मिलिट्री तो रही नहीं, चार साल में क्या करेंगे, ना वो शादी लायक, ना वो काम लायक, ना वो किसी भी लायक नहीं, वो तो बर्बाद कर दिए, बिल्कुल बर्बादी पर ले दिया हरियाणा। कोई बीजेपी ने कोई भी ढंग का कार्य नहीं करा, यो सिर्फ बर्बादी कर दिए, ना हमारा देश बेच दिया। यो कहता था काला धन लाऊंगा, लुगाया जाड़े ले लिए इसने, हैं, और लोग आगे बैंक खाली करवा दिए। सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और हर कोई लुभावने वादे करके अब चुनाव जीतने की कोशिश में भी लगा हुआ है। बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, महिलाओं को लेकर, अग्निवीर को लेकर और किसानों को लेकर। तो ऐसे में आइए महिलाओं से जानते हैं कि जो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो उसके अलावा महिला सुरक्षा हरियाणा के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। जी, तो हरियाणा में क्या लगता है कि महिलाओं को वो सुरक्षा मिल रही है जो मिलनी चाहिए? ज़्यादा नहीं मिल रही। जी, क्या क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ बाण बेटियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है आने जाने की, मतलब एक कितने समय से की बात तो निकलना मुश्किल ही हो जाता है, 8 बजे के बाद मुश्किल हो जाता है। जी, यहाँ दारू का ठेका है। अच्छा, आसपास? आसपास जी, हाँ, इसलिए वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। तो आपके लिए ऐसे में जो 2100 रुपए ज़रूरी हो जाते हैं या फिर सुरक्षा ज़्यादा जरूरी? सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी। जी, इसके अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अगर आप चुनाव वोट डालने जाएंगी तो आपके इलाके में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट देंगे? हम बिजली से ज़्यादा दुखी रहते हैं जी इस मुद्दे में, और ये रोड नहीं बन पा रही। हाँ, तो रोड भी बनने चाहिए। हाँ, और बिजली भी 24 घंटे आनी चाहिए। जी, तो बिजली अभी इस समय 24 घंटे नहीं आती, सुबह जाती है, कई बार तो शाम को आती है, तो बिजली आनी चाहिए। जी, और कुछ ऐसा जो कांग्रेस ने करवाएगी और बीजेपी ने नहीं करवाई? ये तो जी अलग अलग पार्टी की अलग बातें होती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी आए आप यही चाहती हैं कि हमें महिला की सुरक्षा पहले आए? हाँ, महिला की सुरक्षा पहले आए। ठीक, और उनको जॉब के लिए भी, आज की जो युवा हैं उनको जॉब के लिए भी जी थोड़ा विकसित किया जाए। जी, और अच्छा, युवाओं के लिए भी ये जनता में जो युवा हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनकी नौकरी के लिए भी थोड़ा उन्हें समझाया जाए। अच्छा, अग्निवीर के बारे में आपके क्या विचार हैं? अग्निवीर मेरे विचार से भी नकारात्मक है। अच्छा, तो किस नकारात्मक होने की कोई वजह? जी, बच्चे चार साल में वापस आ जाएंगे तो फिर उनकी लाइफ क्या होगी? हाँ, इतना उनकी लाइफ बनेगी इतना तो वापस आने। लेकिन अब जैसे कि बीजेपी सरकार उन्हीं युवाओं को 4 साल बाद पक्की नौकरी भी दे रही है? नहीं, सारे को नहीं दे रही थी। हाँ, तो उनका इंटरव्यू होगा जब 4 साल के बाद वे पढ़ नहीं पाऊंगी तो इंटरव्यू तो जी का दाय कर पाऊंगा, तो इसलिए। लेकिन सभी को गारंटी, सभी को ना गारंटी नहीं दी गई, एक आधा लाख लेगा जब मानेंगे जी, तो जो क्या पता जी, तो इसलिए 4 साल की योजना के लिए मैं तो खिलाफ हूँ। परमानेंट लगाओ, लगाओ उतना बिल्कुल टाओ। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे? हाँ जी, तो उनको बराबर पेंशन मिल रही है? हाँ, मिल जी। कितनी तो किसके कितना मिलता है? तो ये बीजेपी की राज में पेंशन तो मिल ही रही है, पेंशन मिल रही है, तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने काम अच्छे कराए, तो बीजेपी ने क्या कोई अच्छे काम नहीं? नहीं, अच्छे उन्होंने भी कराए जी, अच्छे काम कराए उन्होंने। यहाँ पे और भी महिलाएं मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में क्या कैसी सुरक्षा है महिलाओं को लेकर? सुरक्षा तो कुछ नहीं है, वैसे डर लगता है बाहर निकलने में, आने में जाने में डर लगता है, 8 बजे के बाद तो निकल नहीं सकते बाहर। जी, तो हाल फिलहाल में यहाँ के जो विधायक है वो कौन सी पार्टी से है? विधायक है कांग्रेस, कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस, तो कांग्रेस विधायक ने कोई सुविधाएं दे रखी है यहाँ पर? सुविधाएं तो कुछ नहीं जी। हाँ जी, सुविधाएं नहीं कुछ। हाँ जी, तो अगर सुरक्षा की बात करो तो महिलाएं एक टाइम के बाद, कितने बजे के बाद नहीं निकल सकती? 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मुश्किल डर लगा है आने जाने में। हाँ, अच्छा, तो ऐसा क्या मतलब ऐसा फिर क्या है कि बीजेपी से ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं हरियाणा? बीजेपी ना क्या करे, कुछ नहीं करे बीजेपी। अच्छा, अभी इतने युवा कर रहे हैं, कुछ नौकरी दे रही ना, बच्चे कितने हैं पढ़े लिखे, सब घूम रहे हैं वैसे।
अच्छा ये जो अगर हम नायब सिंह सैनी की बात करें जो अभी यहाँ के मौजूदा सीएम हैं, तो उन्होंने ये वादा भी किया है कि जैसे ही वो अगर सीएम दोबारा बनते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने से पहले वो युवाओं के हाथों में लेटर देंगे, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? वादे वादे कर करे जाए और कुछ नहीं है लेकिन वो तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो ये भी कहता है कि अभी तक वो लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुके हैं और 50,000 को और नौकरी दी है। तो अग्निवीर योजना के बारे में क्या विचार रखती हैं? अग्निवीर में 4 साल में क्या कर लेगा बच्चा बताओ? फिर घरा बैठा देंगे, 4 साल में क्या कर लेगा? वो उधर का नहीं इधर का कुछ नहीं। मतलब आपके मुताबिक अग्निवीर योजना के आप खिलाफ? खिलाफ जमा, बिल्कुल खिलाफ। और वही किसान के बारे में क्या सोच रही हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर सही मानती हैं उसे? सही है वो भी, लेकिन अभी तो सही जी। तो अभी जैसे कि 2100 रुपये देने की बात कर रही है बीजेपी, और दूसरी ओर कांग्रेस भी कर रही है अपने घोषणा पत्र में कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। तो क्या लगते हैं महिला सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या जरूरी पैसे है? पैसे का क्या करना है? सुरक्षा पहले तो जी सुरक्षा होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन किसी ने भी सुरक्षा की बात नहीं करी अभी तक। सुरक्षा तो होनी चाहिए। तो अगर एक महिला होने के नाते फिर अगर आज वोट देने जब जाएंगी आप, तो आपके लिए किन मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलाके के जिसके आधार पर आप वोट देंगे कि आपके इलाके में ये होना जरूरी है? बच्चा सर्विस में लो, सब बच्चा ना सुरक्षा हो, सब थोड़ी दूर दूर पर क्लिनिक हो सरकारी, लाइट होनी चाहिए, लाइट भी सुबह शाम को आवा कभी कभी। तो अच्छा यहाँ पे आसपास क्लिनिक वगैरह है जैसे कि मेडिकल सुविधा कैसी है? मेडिकल सुविधा भी ज्यादा सही नहीं है, ज्यादा सही नहीं है। और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, जानते हैं कि बीजेपी 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा कर रही है, तो अभी सिलेंडर के क्या कीमत है यहाँ पर? 800 रुपये जी। कह रही है कि जीत जाएंगे तो 500 रुपये में सिलेंडर। झूठी बकवास कर रहे हैं। कुछ नहीं आज दिन आ दिया, इन्हें 10 साल हो गए के देगा यो। यो सिर्फ बर्बादी कर दिया, नाम हमारा देश बेच दिया। यो कहता था काला धन लाऊंगा, लुगाइया जाडे ले लिए इसने हैं, और लोग आगे बैंक खाली करवा दिए, रह गया के मार दूर। अच्छा, किसान वाणस मर गया कति प्या पीट क्या माड़ा है के मार दूर। हरियाणा तो क्राइम में नंबर वन कर दिया बेटा। अच्छा, हाँ और कुछ नहीं, हरियाणा क्राइम में नंबर वन कर दिया। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म कर दी बच्चे की, एजुकेशन में कुछ नहीं। एक या योजना ले दी अग्निवीर वाली, अग्निवीर में क्या है कि जाएंगे मारे किसान के बच्चे इसमें तो मिलिट्री में तो जाया कर दे, मिलिट्री तो रही नहीं, 4 साल में क्या करेंगे? ना वो शादी लायक, ना वो काम लायक, ना वो किसी भी लायक नहीं, वो तो बर्बाद कर दिए, बिल्कुल बर्बादी पर ले दिया हरियाणा। कोई बीजेपी ने कोई भी ढंग का कार्य नहीं करा। तो कांग्रेस के आने से लगता है कि हालात जो बिगड़े हुए हालात है वो निष्पक्ष है। हम तो न्यूज इस बात ने समझा, जो कोई भी ढंग का आदमी आवे भाई, किसी भी कोई भी पार्टी हो, हमने किसी पार्टी तो कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। पार्टी क्या करेगी, क्या लेना देना हमने पार्टी तो, हमने तो अपना काम तो मतलब है, बच्चे की एजुकेशन चाहिए, बच्चे ने नौकरी चाहिए, लुगाइया ने महिलाएं ने भाई कोई काम चाहिए जो ठाली बैठी है, लड़कियां ने भी एजुकेशन चाहिए। सब बच्चे भड़कते अंडे सारे न्यून कोई किसी का काम नहीं, सब तकरीबन बच्चे मारकाट में चल पड़े जी, उग्रवाद में चल पड़े, कोई बच्चा ऐसा नहीं। अगर जो पढ़ाई लिखाई में क्यों, पढ़ाई लिखाई में मेहनत कराया कर दे बच्चे। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो कैसा है यहाँ? कुछ नहीं, महिलाएं की क्या सुरक्षा है, बाहर बैठी है क्या किसकी चैन कोड पर खींच ले जा, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। महिला अपना आप सुरक्षित है, बाकी सरकार की ओर तो कोई महिला सुरक्षित नहीं है। किसी भी चीज में चले जाओ सिर्फ रिश्वत और कुछ नहीं जी। तो यानी कि चुनाव देने जाएंगी तो क्या फिर ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो आप उसी को ध्यान में देकर? हाँ, उसी को ध्यान में दे के वोट करेंगे। क्या रहेंगे वो मुद्दे, ऐसे क्या आप बताने लग रही है? मुद्दे रहेंगे और कोई भी आवेगा, किसी भी पार्टी आवेगी तो हम उससे यही जुगाड़ करेंगे, किसी भी पार्टी, कांग्रेस आओ बीजेपी आओ, हमने कोई किसी तो पार्टी तो कोई लेना देना नहीं, जनता ने अपना काम तो लेना देना है। जो जनता की बर्बादी हो रही है
उसका डंका कर ये करें भाई, बचावा दुनिया ने इसका बर्बादी थे। पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो परेशान होती है जनता होती है। तो आपके लिए फिर क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप वोट देने गए? हम तो अपना ये है, हमारे लिए कोई वो नहीं पार्टी, हम तो अपना जो हमारा कार्य सही करेगा हम उसके लिए उसमें जीता। तो आपके लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी हमारी गाड़ है पहले तिया, यो सारा मेन हमने तो भाईचारा, अरे पूरी गली है, अरे इस गली में हमारे में इतना बूंदा दंगा हो रहा है, नहीं साफ सफाई है, नहीं ये फैक्ट्री एरिया इतना बढ़ गया हमारा, ये गोदाम है, अरे नाम बंद करवाना चाहो, हाँ यूरा दारू का ठेका न्यून मीट वाला है हमारी मेन जो है।